तो फाइनली टीवीएस लेकर आ गई है अपनी एक नई मोटरसाइकिल जो बिल्कुल नए सेगमेंट में आ रही है, बिल्कुल नए लुक्स के साथ आ रही है और बिल्कुल नए नाम के साथ इंडियन मार्केट में आ चुकी है। तो इस बाइक के साथ क्या खासियत है, किस तरीके से दिख रही है ये मोटरसाइकिल और ये क्यों इतनी खास है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फाइनली टीवीएस अपने एक नए सेगमेंट के अंदर एंटर हो चुकी है जहां पर वो लोग अपनी एक नई बाइक को लेकर आ रहे हैं जो देखने में अलग है, इंजन के हिसाब से अलग है, नाम से अलग है और अभी बाइक जो है एक नए सेगमेंट में एक नई टाइप की बाइक आ चुकी है। अभी तक टीवीएस की बाइक जो है वो खाली कम्यूटर बाइक्स काफ़ी मशहूर थी, उसके अलावा टीवीएस की अपाचे थी और टीवीएस की अपाचे RR 310 थी जो एक स्पोर्टी बाइक थी जो बहुत मशहूर हुआ करती थी। लेकिन अब टीवीएस एक नई चॉइस लेकर आ गया है आप लोग के लिए, एक नया ऑप्शन लेके आ गया है जो कि एक नए रेट्रो क्लासिक या फिर आप लोग नियो रेट्रो क्लासिक सेगमेंट कह सकते हैं उसके अंदर एंटर हो चुकी है। और ये बाइक बहुत खास है, किस लिए खास है, क्या स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या ये बाइक बाकी सेगमेंट की बाइक से इसी तरह होगी या फिर ये बाइक बिल्कुल यूनिक है, क्या है सारी डिटेल्स, इस बाइक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग जानने वाले हैं टीवीएस की नई लवेली लॉन्च नियो रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल के बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करूंगा सबसे स्पेशल चीज की जो इस टीवीएस की बाइक के अंदर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, वो है इसके लुक्स जो काफी डिफरेंट भी हैं और बहुत यूनिक भी हैं। तो आइए जरा डिटेल में बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या डिजाइन मिल रहा है, किस तरीके से लुक्स मिलने वाले हैं और जो लोग थोड़ा सा करीब से जानना चाहते हैं आइए उनको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो टीवीएस रॉनिंग की जहां पर स्टाइलिंग और लुक्स की बात है तो इस बाइक के अंदर आपको सर्कुलर हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं और आपको जो रियर व्यू मिरर मिल रहा है वो बिल्कुल रेट्रो स्टाइल का मिल रहा है जो कि एक राउंड मिरर मिल रहा है। साथ ही आपको जो टैंक दिया जा रहा है वो टीयर ड्रॉप शेप का है और आपको पीछे वाइड मडगार्ड दिया गया है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको डुअल टोन कलर्स भी मिल जाते हैं, तकरीबन 6 कलर्स के अंदर ये बाइक आती है। इसके अलावा इस बाइक में आपको जो सस्पेंशंस मिल रहे हैं, फ्रंट में आपको USD फोक्स दिए जा रहे हैं यानी अप साइड डाउन फोक्स दिए जा रहे हैं जो कि गोल्डन फिनिश के साथ आ रहे हैं। वहीं जो आपको रियर का सस्पेंशन है वो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है जो कि एक गैस चार्ज सस्पेंशन होने वाला है। उसके अलावा बाइक में आपको पीछे पुरानी बाइक्स की तरह आपको एक कन्वेंशनल ग्रैब रेल दी गई है। बाइक की जो लुक्स हैं, स्टाइलिंग है, वो काफ़ी डिफरेंट है सेगमेंट के अंदर, बल्कि इस सेगमेंट में इस तरह की कोई और बाइक आती ही नहीं है जिसके अंदर आपको इतने डिफरेंट लुक मिलते हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको एक बेली पैन दिया जा रहा है इंजन के पास, जिससे आप लोग अगर इस बाइक से राइडिंग वगैरह करते हैं, टूरिंग करते हैं, तो उससे आपकी जो इंजन प्रोटेक्शन होगी वो भी बढ़ जाती है। बाकी टीवीएस रॉनिन के अंदर आपको मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं जो आपको डुअल फिनिश में दिखाई पड़ेंगे, ब्लैक और सिल्वर से आपको इसके ऊपर फिनिश दिखाई देगा। बाकी बाइक का जो राइडिंग स्टैंड है, टीवीएस का ये कहना है कि उनकी ये जो बाइक है ये प्रॉपर टूरिंग के लिए बनाई गई है और आजकल जो लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, लेकिन लोग जो बाइक कम्यूटिंग के साथ साथ उसको टूरिंग के लिए लेकर जाते ही हैं तो उनको एक कंफर्टेबल स्टांस देना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए उन्होंने इस बाइक को कंफर्टेबल स्टांस दिया है, अपराइट पोजीशंस दी हैं, बिल्कुल सेंटर में आपको फुटपैक्स की पोजीशन दिखाई पड़ेगी जिससे बाइक जो है स्ट्रीट पर बहुत ईजिली चल पाएगी। हाईवे क्रूजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, छोटी मोटी अगर आप लोग ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बाइक देखने में तो काफ़ी हल्की सी लग रही है लेकिन इस बाइक का जो वेट है वो तकरीबन 160 kgs का है, जिसके अंदर आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं और ट्यूबलेस टायर भी दिए जा रहे हैं। तो अभी तक तो इंडियन मार्केट में टीवीएस अपने कम्यूटर बाइक के साथ आती थी जहां पर आप लोग को 100 से लेकर 200 सीसी के अंदर ज़्यादातर बाइक दिखती थी, ज़्यादातर स्कूटर्स दिखती थी। उसके अलावा अपाचे 310 जो थी वो 310 सीसी की बाइक थी। लेकिन अगर बात करता हूं इस नई मोटरसाइकिल के बारे में तो इसके अंदर भी आपको डिस्प्लेसमेंट काफ़ी यूनिक मिल रही है। तो क्या है वो यूनिक डिस्प्लेसमेंट या फिर पावर फिगर्स की अगर बात करता हूं तो वो क्या मिलने वाली है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होने वाली है, आइए जरा इसके इंजन एंड पावर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब जहां पर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात है तो इस नई नवेली टीवीएस रॉनिन के अंदर आपको 225 सीसी वाली मोटर दी जा रही है, जिसके अंदर आपको ये इंजन जो है ये वही टीवीएस अपाचे 204V से डिराइव्ड इंजन है, जिसके अंदर आपको 20 BHP की पावर मिलती है और आपको जो टॉर्क मिलता है वो 20 Nm का मिल जाता है, जिसमें आपको 5-speed वाला गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड बताई जा रही है कि ये बाइक जो है 120 km/h की टॉप स्पीड को इजीली अचीव कर सकती है। बाइक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, फ्रंट में आपको USD फोक्स दिए जा रहे हैं। बाकी बाइक में आपको ड्यूअल डिस्क मिलने वाली है और ड्यूअल चैनल ABS जो होने वाले हैं वो इस बाइक के अंदर स्टैंडर्ड ही आने वाले हैं। और टीवीएस का ये कहना है कि 225 सीसी को जो डिफरेंट उन्होंने डिस्प्लेसमेंट निकाली है वो इसलिए है
के जो 200 सीसी से लेके 310 सीसी का जो गैप है उसको बिल्ड करने के लिए वहाँ पे जो गैप आ रहा था उस 250 सीसी वाले सेगमेंट में, 225 सीसी वाले सेगमेंट में टीवीएस की तरफ से कोई बाइक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस बाइक को इस सेगमेंट में काफ़ी डिस्टिंक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ लॉन्च किया है। तो वैसे तो ये बाइक जो है ये एक न्यू क्लासिक रेट्रो मोटरसाइकिल के अंदर आ रही है। अगर देखने में बात करते हैं या फिर बॉडी स्टाइल के हिसाब से बात करते हैं तो ये आपको न्यू क्लासिक मोटरसाइकिल लगती है। लेकिन अगर बात करता हूँ फीचर्स की, जो आजकल सभी लोगों को चाहिए और हर आदमी को ये चाहिए कि उनकी बाइक के अंदर अच्छे से अच्छे फीचर होने चाहिए, और टीवीएस ने इस बाइक के अंदर आपको एक नियो क्लासिक मोटरसाइकिल होने के बावजूद अच्छे फीचर्स दिए हैं। कौन से हैं वो फीचर, आइए जरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जहां पर फीचर्स की बात होती है तो देखिए टीवीएस रॉनिन एक रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल है, लेकिन इस बाइक में आपको फीचर्स जो है वो काफी मॉडर्न मिल रहे हैं, और वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको किसी मॉडर्न बाइक के अंदर दिए जाने चाहिए। बाकी जहां पर बात आती है लाइटिंग सेटअप की, तो आपको इस बाइक के अंदर एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया जाता है, टी शेप वाले सिग्नेचर एलईडी हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं। बाकी जो स्पीडोमीटर की पोजीशन है वो काफ़ी यूनिक है, जो हैंडल के लेफ्ट साइड पर है, जहां पर आप लोग देखेंगे कि इस तरीके आपने कभी स्पीडोमीटर देखा नहीं होगा कि वो छोटा सा स्पीडोमीटर आपको लेफ्ट साइड में दिया जा रहा है। लेकिन ये छोटा सा टीवीएस ने नहीं कहा है, क्योंकि टीवीएस ने कहा है कि उनका ये मीटर जो है, उनका ये स्पीडोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, ये बहुत ही यूनिक है, और इसके अंदर आपको ये काफ़ी एर्गोनॉमिकली इसको डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे यूज़र जो है, मतलब राइडर जो है वो लेफ्ट साइड पर ज़्यादातर देखता है, और इसलिए उसको इस पोजिशन पर लगाया गया है। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको किसी अच्छी से अच्छी बाइक के अंदर मिलती है। जैसे इस बाइक में आपको वॉइस असिस्टेंस का फीचर मिल रहा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल रहा है, आप लोग इनकमिंग कॉल्स के अलर्ट देख सकते हैं, मैसेजेस के अलर्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा बाइक में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन ऐप से, जिसका नाम है TVS Smart X Connect ऐप, जिससे आप लोग कनेक्ट करके काफ़ी सारे फीचर्स आप लोग इससे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ रेन और अर्बन ABS मोड को कंट्रोल कर पाएंगे, और इस बाइक के अंदर आपको इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर जनरेटर भी दी गई है, जिससे आप लोग इस बाइक को साइलेंटली स्टार्ट भी कर सकते हैं, और वन टच के साथ ये बाइक इजीली स्टार्ट भी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि TVS की बाइक जो है वो अपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी मशहूर है, तो इस बाइक में आपको वही टेक्नोलॉजी दी जा रही है जो TVS अपनी बाइक में पहले दे चुकी है, जिसका नाम है GTT, मतलब ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी दिया जा रहा है, बाकी जो ब्रेक्स हैं उसको आप लोग 3 स्टेप में एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ कि उसके अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उसके अंदर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाई पड़ रहा है, एस्टिमेटेड टाइम ट्रैवल दिखाई पड़ रहा है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया हुआ है, साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है, वहाँ पे आपको लो बैटरी का इंडिकेटर दिया गया है, बैटरी वोल्टेज वगैरह दी गई है। ये सारे फीचर्स हैं जो आपको किसी भी बाइक के अंदर, अच्छी से अच्छी बाइक के अंदर दिए जाते हैं। बाकी इसमें आपको जो एग्जॉस्ट मिल रहा है वो आपको, जो इसके अंदर मफलर मिल रहा है वो आपको मैट फिनिश के अंदर ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा होगा। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको चेन कवर दिया जा रहा है, ब्लॉक टायर्स दिए जा रहे हैं। अब ये जो ब्लॉक पैटर्न टायर हैं, इसको TVS ने काफ़ी डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है, जिससे आप लोग दोनों काम कर सकें, मतलब आप लोग ये बाइक जो है वो दोनों वर्ल्ड्स के लिए बिल्कुल सही उतर सके, चाहे आप लोग इसे सिटी राइड करें या फिर आप लोग इस बाइक से क्रूजिंग कर सकें। तो यही सारे कुछ फीचर हैं जो TVS ने इस रॉनिन बाइक के अंदर दिए हैं, जहाँ पर आपको डिस्क भी मिल रही है, ब्रेकिंग भी अच्छी मिल रही है, असिस्ट क्लच भी मिल रहा है, USD फोक्स भी मिल रहे हैं, और बहुत सारे आपको कनेक्टेड फीचर भी मिल रहे हैं इस बाइक के साथ। तो मेरे हिसाब से ये काफी जबरदस्त फीचर्स हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया कि इस नई बाइक के अंदर किस तरीके से नए फीचर्स मिल रहे हैं, क्या नए लुक्स मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश अवतार मिल रहा है, और अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो वो भी काफ़ी खास है। लेकिन अगर बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो डिसाइड करेगा क्या ये बाइक चल पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी, क्योंकि एक नई बाइक जब किसी नए सेगमेंट के अंदर एंटर होती है तो लोगों को अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, लोगों को उसको अपनी आंखों में बसाने के लिए, उसको पसंद करने में लिए उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। लेकिन इस बाइक का जो प्राइस है, अगर वो इतना कॉम्पिटिटिव है कि आपको पसंद आता है तो फिर ये बाइक चल जाएगी, लेकिन अगर इसका प्राइस ज़्यादा हुआ तो ये बाइक नहीं चलेगी। तो क्या है वो प्राइस, आइए ज़रा आपको बता ही देता हूँ। अब देखिए प्राइस जो है इस बाइक का काफ़ी डिफरेंट रखा गया है, काफ़ी अच्छा रखा गया है, लेकिन आपकी नज़र में वो कैसा है ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को प्राइस कैसा लगा है। तो मैं आपको प्राइस बताने से पहले ये बता दूं कि इस बाइक को 3 वेरियंट्स में निकाला गया है, जहाँ पर आपको SS वेरियंट मिल रहा है, DS वेरियंट मिल रहा है, और TD वेरियंट मिल रहा है, जिसके अंदर जो प्राइस है वो स्टार्ट हो रहा है 1.49 लाख रुपीस से, जिसमें आप लोग को SS वेरिएंट मिलेगा। SS वेरिएंट के अंदर आपको 2 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, जहां पे आपको मैग्मा रेड मिल रहा है और ब्लैक कलर का ऑप्शन मिल रहा है। वहीं जो DS वेरिएंट है उसके अंदर आपको 2 कलर के ऑप्शन मिल रहे हैं, जहां पे आपको ब्लैक का ऑप्शन मिल रहा है और ब्लू का ऑप्शन मिल रहा है। वहीं जो इसका टॉप स्पेक मॉडल है TD वेरिएंट है, उसके अंदर आपको 2 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसका नाम है ग्रे और ऑरेंज। अभी जो वेरिएंट्स हैं इसके आपको तकरीबन
छह कलर आपको इस बाइक के अंदर दिए जा रहे हैं और तकरीबन 3 वेरिएंट्स दिए जा रहे हैं। प्राइसिंग की जहां पर बात है, जो सबसे बेस मॉडल है 1.49 लाख रुपीस से शुरू हो रहा है, वहीं जो मिड वेयर वेरिएंट है वो आपको 1.56 लाख रुपीस का पड़ेगा, वहीं जो टॉप स्पेक वाला मॉडल है वो आपको तकरीबन 1,70,000 रुपये के आसपास पड़ने वाला है। तो ये सारी कुछ प्राइस लिस्ट है, लेकिन ये प्राइस लिस्ट कैसी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा है आपको इसका प्राइस और कैसी लगी है आपको ये बाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में यही था, जहां पर मैंने आपको एक क्विक अपडेट दी है इस टीवीएस की नई नवेली मोटरसाइकिल के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये बाइक पसंद आई होगी और आज की वीडियो भी ये पसंद आई होगी। तो एक बटन दबा के लाइक कर दीजिए और अपनी ओपिनियन के कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ दीजिए। और अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिख सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो मोटोनॉमिक्स 1 पर आ जाइए इंस्टाग्राम पर, या फिर फराज23 डालकर मुझे फॉलो करके आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे चैट वगैरह भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही था, जहां पर मैंने आपको सारी अपडेट दे दी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन दबाना है और मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग के लिए फ्रेश अपडेट्स आती रहेंगी, क्विक अपडेट्स आती रहेंगी और आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे, छोटी सी फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगे। एक बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्द और आगे पहुँच सकें। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑडियो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।